हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा जुलाई फुल मंथ के करंट अफेयर्स। ऑलरेडी पार्ट वन में आपके साथ शेयर कर चुका हूं, बट इस वीडियो में मैं पार्ट वन भी लूंगा, पार्ट सेकंड भी लूंगा। जुलाई मंथ के पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स शेयर करूंगा, ताकि आपका अगर आपने वो नहीं भी देखा हो, सारे करंट अफेयर्स का रिविजन भी हो जाएगा एंड पूरे मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करना, इसे शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हम इसे पढ़ेंगे, ताकि आपके करंट अफेयर्स जुलाई मंथ के आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। देखो, मैंने 30 जुलाई ऐसे करके सारे लिए। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको बस इसके पढ़ना है आराम से, जो मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, Which Indian metro has become the world first completely green metro system? तो इसका आप आंसर गैस करेंगे, मैं इसका आंसर भी आपको साथ साथ ही बताऊंगा। ठीक है, तो वैसे ही हम वीडियो अराउंड 170 क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़े स्पीड में भी करेंगे ताकि आपका जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है जो कम्प्लीटली ग्रीन मेट्रो सिस्टम हो गई, तो कौन सी मेट्रो बनी? वो बनी जी हमारी दिल्ली की मेट्रो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एलिमिनेट वायरल हेपेटाइटिस बाय विच ईयर? तो कौन से साल तक इन्होंने डिसाइड किया कि इसे पूरी तरह एलिमिनेट करेंगे? तो इसका आंसर आपको गैस करना, देखो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। ठीक है, देन नासा लॉन्च्ड विच सैटेलाइट फॉर न्यू प्लैनेट हंटिंग? तो न्यू प्लैनेट को हंट करने के लिए, उनको सर्च करने के लिए नासा स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए ने एक न्यू सैटेलाइट लॉन्च की, तो जिसका आपको नाम बताना है। देखो, इसका नाम है टेस। ठीक है, विच स्टेट लॉन्च मिल्क मिशन एंड इट्स फर्स्ट बुलफेयर? तो कौन से स्टेट ने, अब इसके आंसर साथ साथ लिखे हुए हैं, आपने देख भी सकते हो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। विच स्टेट ओपन इंडिया फर्स्ट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन? ओनली फॉर वुमेन्स के लिए फर्स्ट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया, ये कहाँ पे बनाया गया? ये बनाया गया पंजाब में। हु वॉन टूर द फ्रांस 2018? तो ये अवार्ड किसने जीता? ये जीता जेरियंट थॉमस ने। विच बैंक हैज बीन अवार्डेड बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन CLSS? देखो, ये अवार्ड मिला HDFC बैंक को एंड ये CLSS है क्या? देखो, जो किसान थे ना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया सबसे ज़्यादा, तो ये CLSS की फुल फॉर्म क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, तो मतलब ये प्रधानमंत्री की एक स्कीम थी उसके अंडर ही, तो इस जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते थे, तो इस बैंक को ये अवार्ड मिला क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में। HDFC बैंक ने सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया। ठीक है, विच कंपनी हैज़ बीन अवार्डेड विद द मार्केटर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो ये अवार्ड किसे मिला? ये मिला अमूल को। देखो, इस वीडियो में मैं ज़्यादा आपके साथ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर शेयर किए हुए हैं जुलाई मंथ के, उसमें मैं पूरा डिटेल में, अब ये वीडियो को हम ज़्यादा लेंथी नहीं लेंगे, थोड़ी स्पीड में भी करेंगे एंड जस्ट मैं इसको रीड करूँगा, इनके आंसर्स बताऊँगा। ठीक है, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी आपका एग्जाम आने वाला, तो अब आप इसको जस्ट एक बार एक नज़र मार लो तो सफिशिएंट, एक दो बारी वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। देन विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द प्रोजेक्ट गांधी? तो गांधी प्रोजेक्ट कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। विच कंट्री हैज बीन सिलेक्टेड बाय WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टू गिव फ्लैश फ्लड वार्निंग इन साउथ एशियन रीजन्स? तो द आंसर इज इंडिया। ठीक है, अगर बाहर की उन कंट्री, साउथ एशियन रीजन्स की कंट्री में फ्लड आने वाला होगा, तो हमारी कंट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनको वार्निंग देंगे, तो फ्लैश, ये जो इसको इस केस में सिलेक्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने इंडिया को इसके लिए सिलेक्ट किया। ठीक है, वैन इज इंटरनेशनल डे टाइग्रेस? कब ये मनाया जाता है? 29 जुलाई। देखो, इसके लिए एक ट्रिक भी है, देखो टाइगर को देख के हम डर जाते हैं ना, तो मतलब टाइगर को देख के हम 9/2/11 हो जाते हैं ना, 9/2। ठीक है, 9/2 किसको देख के होंगे? टाइगर को। ठीक है, अब नहीं आपको ये भूलेगा कभी भी। देन विच मेट्रो हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट? मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट प्रणाम स्कीम? तो ये प्रणाम स्कीम कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया इसे लॉन्च करेगी? तो ये करेगी असम। एंड है क्या इसमें? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो अपने बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं ना, अगर ऐसा कोई होगा ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनकी कुछ 10% ऑफ सैलरी उनके पेरेंट्स के अकाउंट में जाएगी। ठीक है, स्कीम का नाम है प्रणाम, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिखी है।
इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एलिमिनेट, ये क्वेश्चन मैं शेयर कर चुका हूँ क्योंकि क्यूज है ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन पहले की बनी हुई है। हु हैज़ वॉन रशियन ओपन बैडमिंटन ट्रॉफी, तो ये किसने जीती, तो इंडिया के ही ने जीती, इंडिया के प्लेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये जीती जी सौरभ वर्मा ने। देन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम केयर कंपेनियन प्रोग्राम CCP, तो कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च किया, देखो इसमें पंजाब ने लॉन्च किया, एंड इसमें होगा क्या कि एक ना प्री मेजर स्टेप्स जो जो लेने चाहिए ना, जैसे ये इनका मेन प्रोजेक्ट है तो बच्चे बॉर्न होते हैं ना उनके लिए ही है, तो मतलब उनके घर में उनके पेरेंट्स को एक प्री मेजर स्टेप्स अगर इस केस में उनकी देखभाल कैसे करनी है, तो इस टाइप का ये प्रोग्राम होगा। तो कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ, ये हुआ पंजाब में। देन वाइस प्रेसिडेंट विनायक नायडू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी, तो कौन सी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपॉइंट हुए, ये हुए पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। PM नरेंद्र मोदी लॉन्च 81 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट, कौन से स्टेट के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये किए, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के लिए। When which state will soon open its first cow sanctuary? तो cow sanctuary कौन से state में खुलेगी, तो ये खुलेगी राजस्थान में, ठीक है। Name the Indian who won the Raymond Magsaysay Award 2018 के Raymond Magsaysay Award, Raymond Magsaysay Award किस कौन से दो इंडियंस को मिले, देखो इसका आंसर है भारत वतमानी एंड सोनम वांगचुक। जब मैं क्यू शेयर करता था ना तो आपको मैं बोलता था इसे अटैम्प्ट जरूर करो, अगर आप जैसे इनके आंसर्स आप एक बार ही टाइप भी कर दोगे ना देन फॉर श्योर ये भूलेंगे नहीं, तो इसलिए मैं जो डेली करंट अफेयर्स आजकल भी शेयर कर रहा हूँ ना उनको भी ज़रूर देखा करें एंड क्यूज़ को रोज़ अटैम्प्ट किया करें, उससे ना अगर हम दो तीन बार ही चीज़ें रिपीट करते हैं तो वो माइंड में हमारे रह जाती हैं, ठीक है। विच पार्टी ऑफ पाकिस्तान हैज़ वॉन द पाकिस्तान इलेक्शन 2018, तो ये कौन सी पार्टी ने जीते, तो ये जीते जी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब तो वो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। वैन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड, तो ये हेपैट किसको बोलते हैं, हेपैट बोलते हैं हम लीवर को, तो कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं हम इसको, 28 जुलाई को। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड विच स्कीम टू एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो एक स्कीम है तो जो रूरल गांव की वुमेन्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए तो एक स्कीम बनाई, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका नाम है महिला शक्ति केंद्र, ठीक है ये मैं बता चुका हूँ। द म्यूजियम ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी, तो सारे जब अभी तक जितने प्राइम मिनिस्टर्स रहे ना उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो एक म्यूजियम बनाया जाए वो कहाँ बनेगा, ये बनेगा जी न्यू दिल्ली में। विद विच कंट्री इंडिया कोस्ट गार्ड कंडक्टेड अ बाइलेटरल टॉप एक्सरसाइज ऑन मैरिन टाइम पोल्यूशन रिस्पॉन्स, मतलब जो पानी के पोल्यूशन होते हैं ना उन पर एक मैरिन टाइम एक्सरसाइज हुई, तो ये बताना कि इंडिया के किस कंट्री के साथ हुई, ये हुई जी बांग्लादेश के साथ, ठीक है। इन विच स्टेट रिसेंटली ग्रीन महानदी मिशन वॉज स्टार्टेड, तो ग्रीन महानदी मिशन कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ, देखो महानदी उड़ीसा में ही है, तो ये स्कीम भी मिशन भी महानदी में, ये उड़ीसा में स्टार्ट हुआ, एंड इसमें क्या होगा कि 1 करोड़ तक वो लगाए जाएंगे पौधे महानदी रिवर के किनारों पर, ठीक है। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन कन्फर्ड विद डिलिट ऑनरेरी स्कॉसे रिसेंटली, तो ये डिलिट क्या है, देखो जैसे PhD की डिग्री होती है ना, नहीं ये सॉरी डॉक्टर ऑफ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, देखो डिलीट हो गया मतलब डॉक्टर ऑफ जैसे कोई क्रिएटिविटी करता है ना, डॉक्टर ऑफ क्रिएटिविटी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इससे इस बार ये अवार्ड की मतलब अवार्ड किसको मिला ये, तो ये मिला जी शर्मिला टैगोर को। देन विच एयरपोर्ट गॉट UN एनवायरमेंट अवार्ड चैम्पियन ऑफ अर्थ, तो ये कौन सी एयरपोर्ट को मिला, ये मिला जी कोची एयरपोर्ट को। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अप्रूव्ड मर्जर ऑफ विच टू टेलीकॉम कंपनीज, तो कौन कौन सी आईडिया एंड वोडाफोन मर्ज हो के एक बन जाएंगे, ठीक है। विच इंपॉर्टेंट बिल फॉर चिल्ड्रन सेफ्टी हैज बीन पास्ड बाय लोकसभा रिसेंटली, तो ये कौन सा बिल है, ये है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सनल बिल। विच गवर्नमेंट बॉडी लॉन्च मिशन सत्यनिष्ठा, तो ये कौन सी गवर्नमेंट बॉडी ने लॉन्च किया, ये किया इंडियन रेलवे ने, एंड इसमें ये होगा कि मतलब रेलवे को
करप्शन फ्री बनाएंगे, इनका मेन मिशन ये है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन एंड माई गवर्नमेंट लॉन्च विथ प्लेटफॉर्म रिसेंटली, तो ये इन्होंने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, टू इनोवेट, टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, न्यू इनोवेशन, ठीक है, न्यू न्यू टैलेंट को एक इनोवेशन देंगे, एक मौका देंगे। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, हैशटैग इनोवेट इंडिया। देखो ये क्वेश्चन आपको याद भी होना चाहिए, मैं काफ़ी बार शेयर भी कर चुका हूँ। हु रोट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑन महात्मा गांधी इज लाइफ रिसेंटली, तो ये बुक किसने लिखी, रामचंद्र गुहा ने, ठीक है, गांधी डेट ईयर चेंज द वर्ल्ड, ये काफ़ी बारी मैंने शेयर किया आपसे। ऑन विच प्लैनेट ए लिक्विड वाटर लेक हैज़ बीन डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये कौन से प्लैनेट पे हुई, द आंसर इज मार्स। विच प्लेयर रिसीव द प्लेयर ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड रिसेंटली, तो इंटरनेशनल प्लेयर अवार्ड द ईयर द किसको मिला, ये मिला जी विराट कोहली को। वेयर एंड डिड द कंट्रीज ऑल वुमेन होटल स्टार्टेड रिसेंटली, तो ये कौन सी जगह स्टार्ट हुआ, ये हुआ केरल में। रिसेंटली विद होम डिड इन्वेस्टमेंट कंप्रोमाइज टू डील इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर के इन्वेस्टर्स आएंगे तो इंडिया में आएंगे जो इन्वेस्ट करेंगे, तो कौन से होंगे, वो होंगे बिजनेस फ्रांस के। विच स्टेट लॉन्च सोलर स्कीम टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम, तो ये कौन से स्टेट लॉन्च करेगी, ये करेगी न्यू दिल्ली। अब ये होगा क्या, देखो उनकी स्कीम की एरिया में ना सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी एंड जहाँ जहाँ लगाएंगे उनको मंथली एक लाख, मंथली नॉट मंथली, ईयरली एक लाख रुपये इनकम भी देंगे। देखो आप ना अब से, तो अभी तक फिलहाल आपने अगर मेरे जुलाई के करंट अफेयर्स नहीं देखे थे तो अब अगर आपने कंटिन्यू देखे होंगे ना, देन श्योरली आपको बड़ा मज़ा आता, अदरवाइज आपको इस टाइम मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो मैं भी आपको थोड़ा बोर भी हो रहे होंगे, बट आपको अगर डेली करंट अफेयर्स देखने, अब रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, बाकी एग्जाम्स भी, अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियोज़ देख रहे हो देन मैं हर मंथ हर वीक जो करंट अफेयर शेयर करता हूँ उनका क्यूज़ भी शेयर करता हूँ, तो उसमें मैं कोई आंसर मार्क नहीं करके रखता, डायरेक्टली आपसे पूछता हूँ देन उसी का आंसर भी बताता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। देन अभी तक आपने अगर वो नहीं देखते ना, आप डेली कंटिन्यू मेरे वो वीडियो ज़रूर देखा करें। विच स्टेट असेंबली हैज़ पास्ड ए यूनिमैनस रिजोल्यूशन टू चेंज स्टेट नेम, तो कौन सी स्टेट अपना स्टेट का नाम चेंज करने चाहती है, वो है वेस्ट बंगाल। गांधी हेरिटेज सेंटर विल बी बिल्ट इन विच कंट्री, तो ये कौन सी जगह बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा उगांडा, हमारे प्राइम मिनिस्टर उगांडा रगांडा दो तीन साउथ अफ्रीका तीन जगह गए थे ना, तो उन्हीं उसी टाइम ये उन्होंने वहाँ पे ये बनाने का उन्होंने डिसाइड किया था। देन कारगिल विजय दिवस कब करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जुलाई को। देन हाउ मैनी एग्रीमेंट्स हैव रिसेंटली साइंड इन प्राइम मिनिस्टर इन उगांडा, में कितने एग्रीमेंट साइन हुए थे, 4 एंड अबाउट युगांडा, कैपिटल है कंफाला, करेंसी है उगांडा शिलिंग एंड प्रेजिडेंट है योवेरी म्यूसेवेरी। आपको इतना नहीं याद रखना, बस इतना कैपिटल एंड करेंसी बड़ी है। हु स्टार्टेड द चाइल्ड लाइन 1098 कंपटीशन, तो ये किसने स्टार्ट किया, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वेयर इज द सेकेंड मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन चैलेंज ऑफ इंडिया सेंट्रली हेल्ड, तो ये कहाँ पे हुई, ये हुई न्यू दिल्ली में। In which country with the All Indian Force participating pitch black recently? तो ये हुई जी ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखो पिच ब्लैक होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ, मैत्री होती है हमारी थाईलैंड के साथ, देन उसके बाद हमारी थर्ड आगे इंदिरा होती है हमारी इंडिया रशिया के साथ, ठीक है, इस तरह आपको याद रखने। Where did 10th BRICS summit begin recently? तो कहाँ पे हुई थी ये, ये हुई थी जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका। तो ये बुक किसने लिखी मैं बता चुका हूँ, प्लेयर ऑफ द अवार्ड फुटबॉल फेडरेशन ऑफ द अवार्ड ये किसे मिला था, ये मिला जी सुनील छेत्री को। कौन सी एक ऐप लॉन्च की गई फॉर राज्यसभा, ठीक है, जो नोटिसेस वगैरह भेजते हैं ना राज्यसभा वाले, तो अभी ई सिक्योरिटी नोटिसेस की हेल्प से तो आप कोई भी नोटिस भेजने होंगे वो ऑनलाइन भेजेंगे, ये ऐप है, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस में, इंडिया का रैंक है क्या कि बाहर के लोग हमारी कंट्री में कितनी नंबर पे मतलब इन्वेस्ट कितने करते हैं, इस रैंकिंग में हमारा रैंक कौन सा 11th। एंड सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट बिगेस्ट इंक्रीज कौन से स्टेट में हुआ ये, देखो ऐसे तो ओवरऑल घटा बट कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कर्नाटका। ताहिरा सफदार हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ विच नेशन, देखो ये वुमेन की वुमेन है ये
सॉरी वुमेन तो है ही हैं, ये मिनोरिटी सेक्शन से बिलोंग करती हैं, पाकिस्तान की चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगी, ठीक है। तो ये कौन सी जगह की हैं, कौन सी जगह के नेशन की होंगी, ये होंगी पाकिस्तान की मिनोरिटी सेक्शन से, ठीक है, बेसिकली फ्रॉम इंडिया। विच स्टेट लॉन्च बिजली मित्रा ऐप फॉर फार्मर्स, तो कौन से स्टेट इसे लॉन्च करेगी, राजस्थान, एंड उनको बिजली काफ़ी रेट कम रेट पे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इंडिया इंपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम विच कंट्री, तो द आंसर इज इराक। इन विच स्टेट ए बैंक रिसेंटली ओपन ऑल इट्स फर्स्ट वुमेन ब्रांच, देखो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने खोली है जहाँ सारी वुमेन वर्क करेंगी, ठीक है, वुमेन ब्रांच हो गई। हाल ही में प्रधान, हाउ रिसेंटली डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रैवल टू, कौन सी कितनी कंट्रीज के ये टूर पे गए थे, देखो तीन, युगांडा, रगांडा, देन उसके बाद साउथ अफ्रीका। हाउ मैनी मेडल्स वॉन, इंडिया हैज़ वॉन इन जूनियर रेसलिंग चैम्पियनशिप रिसेंटली, तो कितने मेडल जीते थे, 8। विच कंट्री अलाउडेड वुमेन टू फ्लाई एयरप्लेन, देखो साउथ अरेबिया है ये, इन्होंने अब वुमेन्स को फ्लाई करने का भी अथॉरिटी दे दी, और इन्होंने वहाँ एक जो सोफिया है ना, जो एक रोबोट है, उसको सिटीजनशिप भी दे दी। अब ये वहाँ की वुमेन जहाज़ भी उड़ा सकती हैं, पहले वहाँ नहीं अलाउ था, ठीक है, अब गाड़ी भी चला सकती हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन इन एसटी एंड एसटी एम्प्लॉयज, तो रिजर्वेशन होगी फॉर एसटी एंड एसटी एम्प्लॉयज के लिए कौन से स्टेट में, बिहार में। विच कंपनी विल लॉन्च सैटेलाइट बीम टू इंटरनेट ऑन द अर्थ, मतलब कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी एक सैटेलाइट जिससे इंटरनेट जहाँ जहाँ नहीं ना पहुँचता वहाँ पहुँचेगा, तो कौन सी कंपनी करेगी ये जी, करेगी जी फेसबुक, ठीक है, गांव गांव में भी अपना एक सैटेलाइट लगाएंगे ताकि हर जगह इंटरनेट पहुँचे एंड वहाँ लोग फेसबुक चलाएँ। विरासत ए खालसा म्यूजियम ऑफ सिक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो अराउंड 98 करोड़ का मतलब रिलीफ फंड्स प्रोवाइड किए फॉर डेकोरेशन और ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए, तो विरासत ए खालसा कहाँ पे है, ये है पंजाब में। विच स्टेट अनवील्ड एन एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्ट सिस्टम रिसेंटली, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नॉट ऑप्शन, आंसर इज न्यू दिल्ली। विच टेम्पल रिसेंटली ऑब्टेन ISO सेटिस्फेक्शन, देखो ISO सर्टिफिकेशन मतलब एक मार्क ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, हाँ इन्वायरमेंट अच्छा है ये सब कुछ, ठीक है, तो द आंसर इज यदागिर्थि गुट्टा टेम्पल। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विल बी प्रिंटेड ऑन 100 रुपीज नोट, देखो 100 रुपीज न्यू करेंसी लॉन्च हुई, तो ये कहाँ का ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी, उसका नाम क्या होगा, वो होगा रानी की वाव। इंडिया वुड बी होस्टिंग 2+2 डायलॉग विद विच नेशन, तो 2+2 डायलॉग किस नेशन के साथ होगा, ये जी होगा हमारा US के साथ। विच स्टेट पुलिस लॉन्च डिजिटल वॉलंटियर टू कैंपेन टू चेक रूमर्स, तो जो रूमर्स वगैरह फैलते ना उनके लिए एक डिजिटल वॉलंटियर टीम बनाई जाएगी, तो कौन सी स्टेट ये करेगी, ये करेगी उत्तर प्रदेश। इंडिया हेल्प इन एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस फॉर विच कंट्री, तो इंडिया हेल्प प्रोवाइड करेगी कौन सी कंट्री को, श्रीलंका, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड बीमस्टेक 2018 समिट, तो द आंसर इज नेपाल। हीमा दास जो अपॉइंट हुई ब्रांड एम्बेसडर, आपको बताना है कि कौन सी जगह की ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई, तो ये हुई जी आसाम की, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च स्टार्टेड ऑनलाइन पेंशन सिस्टम, तो छत्तीसगढ़ में स्टेट में ये लॉन्च होगा, तो मतलब जो ऑनलाइन पेंशन वगैरह चेक कर सकते हैं, पेंशन वगैरह जो भी आती है, तो जो सीनियर सिटीजन है उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी उनके अकाउंट में आएगी वो ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन मैं स्किप भी कर रहा हूँ बिकॉज वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखो सॉफ्ट पावर नेशन में इंडिया की रैंक कौन सी आई एंड कौन सी कंट्री ने टॉप किया, तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। व्हेन इज नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेटेड, तो कौन सी डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं, द आंसर इज 18 जुलाई। हिमा दास कौन सी स्टेट की है, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। फिश स्टेट हैज लॉन्च द पौधागिरी कंपेन इन एम्ड एट इंक्रीजिंग ग्रीन कवर इन द स्टेट, तो पौधागिरी कंपेन कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई, ये हुई जी हरियाणा में, ठीक है। तो इसमें विच नेशन है टॉप इन ग्लोबल रैंकिंग ऑफ सॉर्ट पावर नेशन, इसमें टॉप किया यूके ने,
तो इसमें होता क्या है कि बाहर की कंट्रीज ये मतलब रैंक निकालते हैं कि दूसरी कंट्री एक कंट्री से उनसे एग्रीमेंट या कोई भी डील्स करने में किस रैंक पे आती है, मतलब कितने इजली वो रैंक कर पाते हैं। तो इसमें टॉप किसने किया कि मतलब यूके के साथ ना कोई भी कंट्री आराम से डील कर लेती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम इन द सेंस कि उनकी ऑलरेडी डील चल रही है, काफ़ी स्मूथली रन कर रही है, तो ये इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें टॉप किया यूके ने। देखो, विच यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट रिमोटली ऑपरेटेबल माइक्रोस्कोप, तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने बनाया इसे? आईआईटी मद्रास ने। इसका नाम क्या? लीप। लीप की फुल फॉर्म लोकल इलेक्ट्रो। मैंने आपके साथ अराउंड 100 क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, ठीक है, तो अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने 100 शेयर कर लिए, एंड बाकी भी आपको करने ज़रूर चाहिए। मैं आपके साथ जो लिंक शेयर करूंगा ना, पीडीएफ का आपको लिंक भी मिल जाएगा, उसमें अराउंड 170 क्वेश्चन, आप उनको भी एक बार ज़रूर देख लेना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, अब उनको भी ज़रूर देखना, 10-15 मिनट लगे, अब उनको एक बार देख लेना, आंसर्स भी साथ साथ हैं, उनका पीडीएफ भी देख लेना, एंड इसे रिवाइज कर लेना, तो आपको फिर जुलाई मंथ के कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट मैंने ले लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, अच्छा लगी इसे लाइक ज़रूर करना, ठीक है, एंड उसके बाद डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ रोज़ वॉच किया करो, एंड उसके क्यूज भी अटेम्प्ट किया करो, ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर्स कभी भी मिस ना हो, एंड बार बार वो रिवाइज करने से आपको फॉर लाइफ टाइम याद भी हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।